स्वागत है सबका ब्लॉगिंग अपना यूट्यूब चैनल पर। और आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने सोशल मीडिया के ट्रैफिक को टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप शेयर कर रहे हो, उसको आप सोशल को ऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, विथ प्रूफ बताने वाला हूं। वैसे ये वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले ऑलरेडी डाल दिया है, वही मेथड मैं बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हो ये वाला कन्वर्ट सोशल टू ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये वही मेथड मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो लाने का कारण यही है क्योंकि काफ़ी लोग का मैसेज मुझे आया था कि भाई ये फेक है, ये वर्क नहीं करता, इसलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा ये। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देखते हो कुछ टाइम पहले, मतलब करीब 15 सितंबर को मैंने ये वीडियो डाला था, HTTPS इनवैलिड वाला जो भी सर्च कंसोल में प्रॉब्लम हो रहा है वो गूगल की तरफ से जो भी था, तो इसके अंदर मैंने कोड शेयर किया था HTTP रिडायरेक्ट वाला, जो आपको HTTPS में ऐड करना होता था। तो यहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया, ठीक है, और ये वो इस आर्टिकल का लिंक था, ठीक है। तो जो भी क्लिक करता था उससे पेज ओपन होता था और वो जाके मेरे इस पेज पर आ जाता था, मतलब ऑर्गेनिक क्लिक करके आता था। तो उसका प्रूफ देख ले तो आप, पहले जो कीवर्ड था वो ये था, रीडायरेक्ट HTTP टू HTTPS ब्लॉगिंग रैप्टर, ताकि मेरा आर्टिकल टॉप पे शो हो। अब अगर ये कीवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं न्यू टैब में इनकॉग्निटो में यहाँ पे इसको मैं सर्च करूँगा, तो टॉप में आप देख सकते हो मेरा ही आर्टिकल शो होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना डोमेन नेम लिखा है ब्लॉगिंग रैप्टर, और जो मतलब टाइटल के अंदर था HTTP रीडायरेक्ट HTTP टू HTTPS ब्लॉगिंग रैप्टर, तो मेरा ही आर्टिकल टॉप पे शो होना था। इसलिए कोई भी उस पर जाता हो तो उसको मेरा ही आर्टिकल दिखता है, डोमेन नेम दिखता है, तो उस पर क्लिक करता, तो ये मेरा पूरा एक ऑर्गेनिक क्लिक हुआ, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक हुआ। तो वही मैंने यहाँ पे फिल्टर ऐड करके रखा हुआ है, आपके सामने ये पूरा डाटा है, ये 3 मंथ्स का दिखा रहा है, लेकिन हमने कुछ 12 दिन पहले था शायद ये वीडियो, 12 दिन पहले ये वीडियो डाला था, तो उसके हिसाब से मैं इसका कस्टम डेट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 15 कर लेता हूँ मैं इसे 15, और आज 27 है, तो इसको मैं यहाँ से 27 कर लेता हूँ, सॉरी 27 करके हम कर देंगे अप्लाई। तो आप देख सकते हो जितना भी ट्रैफिक है, मतलब इतना इंप्रेशन आया है और इतना इसका सर्च आया है। और आप यहाँ पर नीचे क्वेरीज देख सकते हो, इसी से आए हैं जितने भी है, सभी से पाया है। इससे आपका फायदा एक ये भी रहता है कि आपके पे CTR जब बढ़ता है एक इसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो आपकी इस आर्टिकल की रैंकिंग भी, जो नॉर्मल कोई सर्च करेगा रिडायरेक्ट HTTP टू HTTPS वाला, तो उसमें भी इसकी रैंकिंग में इफेक्ट पड़ता है। आपकी डोमेन की अथॉरिटी पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है उससे भी आपको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ कैसे करनी है आपको मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात होती है वो इंडेक्स होना चाहिए गूगल में। तो गूगल में इंडेक्स होने के बाद आपका आर्टिकल जब भी आप इंडेक्स कर लोगे, उसके लिए आप इंडेक्सिंग API यूज़ कर लेना। अगर वो गूगल में इंडेक्स ही नहीं होगा तो हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आएगा, सिंपल सी बात है। तो मान लो जैसे मेरा ये आर्टिकल था, हाउ टू रिडायरेक्ट HTTP टू HTTPS, तो मैंने लिख दिया रिडायरेक्ट HTTP टू HTTPS। आपका जो भी मेन कीवर्ड है, जो भी आप अपने आर्टिकल के टाइटल में यूज़ कर रहे हो, वो आप आगे लिखो, और आगे में आपका डोमेन नेम लिख दोगे तो टॉप पे आपके ही मतलब रिजल्ट्स, मतलब आपका ही वेबसाइट शो होगा। ये चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे URL मिलता है, ये URL आपको कट करना है एंड तक, मतलब जो भी आपका ये टेक्स्ट है, क्योंकि हमारा ये IP लोकेशन ये सब कुछ इधर आ जाता है, तो इसको हम यहाँ से क्लियर कर देंगे और वापस एक बार करेंगे सर्च। फिर आप देख सकते हो कि आपका ही आर्टिकल टॉप पे शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो लिंक रहेगा गूगल का, इसको कर लेना है कॉपी, और कोई भी URL शॉर्टनर, बिटली हो गया, कटली हो गया, फिर रिबल हैंडली, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसकी वेबसाइट पर आप जाओगे और सिंपली आप उसको शॉर्ट कर दोगे। तो ठीक है, यहाँ पे मैं वो लिंक पेस्ट कर दूंगा, शॉर्टन कर दूंगा, और ये जो मेरा लिंक आया है शॉर्ट लिंक, इसको मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी। और यही लिंक है, मैंने जैसा आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे रहा HTTP रिडायरेक्ट कोड, क्योंकि इसमें मैंने कोड शेयर किया था जो यहाँ पे नीचे बॉटम में एकदम है, ये वाला कोड। तो लोगों को कोड चाहिए था, तो यहाँ से वो सीधा आए, इस पर सर्च किया, उन लोगों ने क्लिक किया, तो वही वाला लिंक रिडायरेक्ट होकर इस पर आ गए, और वो लोग बाद में इधर मेरा टॉप पे वेबसाइट उन्हें दिखेगा, ये नहीं किया क्योंकि मेरा सर्च कंसोल ऐड है तो उसका यहाँ पे दिखा रहा है, वो देखो वही क्लिक्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ से फिर मेरा वेबसाइट पे आएगा, तो पूरा एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके सामने पूरा प्रूफ के साथ है। तो ये प्रूफ के लिए मैं वीडियो स्पेशली बना रहा था। ये चीज़ करने के बाद इस लिंक को, मतलब जो आपका शॉर्ट लिंक है, इसको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, जहाँ भी शेयर कर दो, ईमेल में कर दो भाई, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, कहीं भी, मतलब कहीं भी शेयर कर दो, तो वो इन शॉर्ट इस पर क्लिक करेगा, रिडायरेक्ट होकर वो इस पर मतलब गूगल के ही ब्राउज़र पर आ जाएगा, और वहाँ से हो जाएगा तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो जाएगा। और आपका आर्टिकल इंडेक्स होना चाहिए, तो उसके लिए ब्लॉगर का भी वीडियो है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, और वर्डप्रेस का भी वीडियो है। तो आप दोनों जहाँ भी आपको इंडेक्सिंग API यूज़ करना है, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करो उसको यूज़ कर सकते हो। और क्या फिर मिलता है अगले वीडियो में।